हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन बिहार के दरभंगा जंक्शन से नई दिल्ली तक चलती है। ये ट्रेन हर दिन दरभंगा जंक्शन से सुबह 8:25 पर चलती है और अगले दिन नई दिल्ली पहुँचती है। इस ट्रेन को दरभंगा जंक्शन से नई दिल्ली तक के 1167 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 21:05 का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 11 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए नई दिल्ली पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के तत्काल, प्रीमियम तत्काल और तत्काल की भी सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन दोनों टाइप के लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है दरभंगा जंक्शन से नई दिल्ली तक। ये ट्रेन दरभंगा जंक्शन से समस्तीपुर जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव से चलती है और फिर समस्तीपुर जंक्शन से नई दिल्ली तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है। और इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है समस्तीपुर जंक्शन पर। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 3 जनरल क्लास वाले कोच, 12 स्लीपर क्लास वाले कोच, 1 थर्ड एसी क्लास वाला कोच, 2 सेकेंड एसी क्लास वाले कोच, 1 फर्स्ट एसी क्लास वाला कोच और 1 पेंट्री कार वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। फ्रेंड्स, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। ये ट्रेन दरभंगा जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले स्टेशन पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर नई दिल्ली पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन से हर दिन सुबह 8:25 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:15 पर पहुँचती है और 9:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 20 रुकती है। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव हटाकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अटैच किया जाता है इस ट्रेन में और लोकोमोटिव भी रिवर्स किया जाता है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मुजफ्फरपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:25 पर पहुँचती है और 10:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट हाजीपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:30 पर पहुँचती है और 11:33 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट सोनपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:43 पर पहुँचती है और 11:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवा हॉल्ट छपरा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:45 पर पहुंचती है और 12:50 पर ट्रेन यहां से चलती है। यहां पर ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट शिवान जंक्शन, यहां पर ट्रेन दिन में 1:40 पर पहुंचती है और 1:45 पर ट्रेन यहां से चलती है। यहां पर ट्रेन 5 रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट देवरिया सदर, यहां पर ट्रेन दिन में 2:32 पर पहुंचती है और 2:34 पर ट्रेन यहां से चलती है। यहां पर ट्रेन 2 रुकती है।
इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट गोरखपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 3:50 पर पहुँचती है और 4:05 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट बादशाहनगर, यहाँ पर ट्रेन रात 8:37 पर पहुँचती है और 8:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट ऐशबाग, यहाँ पर ट्रेन रात 9:05 पर पहुँचती है और 9:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर ट्रेन रात 10:48 पर पहुँचती है और 10:58 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट नई दिल्ली, यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:30 पर पहुँचती है। नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का डेस्टिनेशन हॉल्ट है, या फिर आप इसे अंतिम स्टेशन भी कह सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, क्योंकि जितने भी स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए ये ट्रेन नई दिल्ली पहुंचती है, हर स्टेशन से अलग अलग टाइप का किराया होता है और बहुत सारी श्रेणियों में भी होता है। अगर मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है। लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज़ के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज़ के ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।